किसी ने बड़े ही प्यार से कहा है कि धरती पर भगवान तो नहीं देखा, लेकिन माँ जब भी सामने आती है वो भगवान से कम नहीं लगती। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश के राजधानी के तकरोई स्थित एडी पब्लिक स्कूल से, जहां पर मातृ दिवस ग्रेजुएट विशेष कार्यक्रम बड़े ही अनोखे अंदाज से मनाया गया। जहां पर पहुंची उत्तर प्रदेश की राजधानी की खास शख्सियतें, समाज सेविका रागिनी श्रीवास्तव, मीठू रॉय, छाया सक्सेना, राजीव सक्सेना वहीं पर मौजूद रहे। एडी पब्लिक स्कूल के संस्थापक राम आश्रय, प्रबंधक अमन, प्रधानाचार्य स्वाति वाजपेयी, ये डालते हैं अर्चना कश्यप विशेष संवाददाता की एक रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखा रहा है, मदर्स डे स्पेशल दिखा रहा है, जिस तरह से पूरे लखनऊ में मदर्स डे मनाया जा रहा है, क्योंकि आज है 12 तारीख को मनाया जा रहा है मातृ दिवस। तो मातृ दिवस को लेकर के एडी पब्लिक स्कूल की भी बहुत बड़ी तैयारी, जहाँ पे हजारों की तादाद में बच्चे और अभिभावकगण उपस्थित हैं, वहीं पे आज का जो कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ वो हुआ लाइफ सेंटर की जो MD हैं रागिनी श्रीवास्तव जी, उनके शुभ हाथों से हुआ, जो कि यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में आई हुई थी। तो उनसे हम बात करेंगे कि आज मातृ दिवस यानी कि मदर्स डे स्पेशल पे जो एडी पब्लिक स्कूल के द्वारा इतना भव्य आयोजन रखा गया, तो क्या कहना चाहेंगी? तो मैम बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो एडी पब्लिक स्कूल के संस्थापक और प्रिंसिपल मैम दोनों ही बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि उनका स्कूल बहुत अच्छा चले और बहुत अच्छे से बच्चों को सहारा और सपोर्ट जो वो देना चाह रही हैं उस टाइप का उनका प्रयास जो है वो सार्थक हो, सफल हो। बाकी का जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि पहला उनका जो स्कूल होता है वो उनका घर होता है, बट आजकल जो पेरेंट्स हैं वो ये कर देते हैं कि बच्चों से कह देते हैं जाओ बस हो गया, पूछ लिया क्या पढ़ाया गया क्या हुआ, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने कुछ पूछा नहीं, होमवर्क नहीं कराया या कुछ भी है, आप टीचर पे ब्लेम लेकर आते हो। पहले के ज़माने में जब हम लोग पढ़ा करते थे, छोटे थे, तो टीचर मोहल्ले में भी बदमाशी होती थी तो पिट जाते थे। आज की डेट में अगर टीचर किसी स्टूडेंट को मार देता है तो इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है, जिसका कोई पेरेंट्स आके बहस करने लगेंगे कि कैसे मार दिया, क्या कर दिया। आप उन्हें एक भगवान का दर्जा देते हैं, तो अगर आप एक सेफ हैंड में बच्चों को भेज रहे हैं तो इतना मत वो कीजिए। बच्चों को अगर कोई मार रहा है, हाँ किसी खराब, बहुत ख़राब तरीके से मारा जा रहा है या स्किल से मारा जा रहा है तो एक अलग बात है, बट अगर पनिशमेंट दी जा रही है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। आपका जो ज़रा सा कहना है कि आपने क्यों मारा, वो आपके बच्चे को एक ऐसा सपोर्ट दे रहा है कि नहीं मेरे, मुझे तो कोई टीचर मार ही नहीं सकती है, मैं आऊँगी, मेरी अपनी मम्मा को लेकर आऊँगी बस हो जाएगा, या फादर को लेकर आऊँगी हो जाएगा। और स्कूल भी इन चीज़ों से थोड़ा सा डर रहा है कि वो कुछ कहने से पहले ही सोचने लगता है कि भैया क्या मारें, छोड़ो, पेरेंट्स सोचते हैं छोड़ो, स्कूल जाएगा अपने स्कूल में कुछ जो पढ़ाएंगे देखा जाएगा। तो आज स्कूल में आके कैसा लगा आपको? हमें स्कूल में आके बहुत अच्छा लगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, आज उन्होंने अपना प्राइज, इनका डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम था, प्राइज भी इन्होंने लिया, बहुत सारे डांस भी किए इन्होंने, और डांस में एक लुंगी डांस तो बस था ही था। तो ये थे हमारे साथ में आई लाइफ सेंटर के जो MD रागिनी श्रीवास्तव जी, जो कि यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में थी, क्योंकि आज एडी पब्लिक स्कूल में मनाया जा रहा है मातृ दिवस, मदर्स डे मनाया जा रहा है, जो कि अनोखे अंदाज में मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे आए हुए और लोगों से हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट नहीं है। माय टीचर नेम इज मिसेस संजना मैम, माय प्रिंसिपल मैम नेम इज मिसेस स्वाति मैम, माय स्कूल नेम इज AD पब्लिक स्कूल। आई रिसाइट अ पोएम
two little words, not goodbye. It's the end of year, the graduation is here. Our two little words to our teacher, mom's dad and grandparent and all. Thank you, thank you, thank you everyone. Thank you for all you have done. Thank you. सामने सामने थैंक यू सो मच मैम। इस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं एडी पब्लिक स्कूल में मदर्स डे मनाया जा रहा है, तो जहाँ पे हंगामा टाइम्स के जो है सर हैं, चैनल हेड हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। आज जिस तरह से चीफ गेस्ट के रूप में उनको यहाँ पे बुलाया गया था, तो क्या कहना चाहेंगे सर? आपका बहुत बहुत स्वागत। तो यहाँ आए हुए सभी माताओं का और बच्चों का भी मैं स्वागत करता हूँ, और सबसे पहले छाया मैम का और मीठी रॉय मैम का और रागनी श्रीवास्तव मैम का, स्वाति वाजपेयी मैम जो एडी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, संस्थापक राम आश्रय सर हैं, कितना खूबसूरत कार्यक्रम करने के लिए जो उन्होंने सभी माताओं को और बच्चों को सम्मानित किया है। वह मातृ दिवस और ग्रेजुएट का जो एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसकी मैं उनको बहुत बधाई शुभकामनाएँ देता हूँ अग्रिम। और इसी तरीके से वह आगे बढ़ चढ़ कर कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहें, तो वहीं पर जो बच्चों ने इस समय परचम लहराया वह कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि जो बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया उनको उस तरह सम्मान भी दे रहे हैं। और यहाँ पर रागनी श्रीवास्तव मैम जो राजधानी की एक चर्चित समाज सेविका भी हैं, उन्होंने बच्चों और अभिभावकों के लिए फ्री चश्मा और उनके इलाज के लिए भी निःशुल्क की जो घोषणा की है वह काबिले तारीफ है। इस तरीके से सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन राजधानी में होते हैं, जिनको हंगामा टाइम्स आपके द्वारा और हमारे द्वारा हमेशा दिखाया जाता है। इस कार्यक्रम की हम सराहना करेंगे और आए हुए लखनऊ के सभी समाज सेविकाओं का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, राजीव सर का करता हूं कि वह हर एक कार्यक्रम में जा करके लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं, और सभी का बहुत बहुत आभार। तो हमारे साथ में छाया सक्सेना मैम है, तो उनसे हम बात करेंगे। आज जिस तरह से मातृ दिवस मनाया जा रहा है, कहते हैं माँ के बिना कोई काम नहीं होता और माँ के बिना कोई जो है काम आगे भी नहीं बढ़ता है, तो मैम क्या कहना चाहेंगी आज के मातृ दिवस? सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई देना चाहूँगी, और स्पेशली जो प्रिंसिपल मैम है स्वाति भारद्वाज मैम, तो उनको बहुत बहुत बधाई हो। उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। सारी मदर्स जिन्होंने इतनी मेहनत की है अपने बच्चों के साथ, उनको इस मंच तक भी पहुंचाने के लिए, इसमें जैसे टीचर्स का हाथ है वैसे ही घर पे माएँ भी उनको उतना ही सपोर्ट करती हैं, तभी ये संभव हो पाता है कि बच्चे इतना अच्छा एकेडमिक में, और जहाँ मैंने यहाँ देखा कि रंगोली कंपटीशन में, ड्राइंग में, सब में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और सबको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है और प्राइज मिले हैं, सबको सर्टिफिकेट्स मिले हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ प्रिंसिपल के लिए भी और स्कूल के लिए भी, कि ऐसे ही स्कूल आगे बढ़े और खूब ग्रो करें। थैंक यू। तो मीतू मैम जी हैं, मीतू मैम जी से बात करेंगे। आज जिस तरह मातृ दिवस मनाया जा रहा है एडी पब्लिक स्कूल में, तो क्या कहना चाहेंगी? तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं इस स्कूल की जो प्रिंसिपल महोदया हैं श्रुति मैम को, मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगी, संस्थापक राम आश्रय जी को भी धन्यवाद कहना चाहूँगी। सबसे पहले मुझे यहाँ ये अच्छा लगा कि इतनी दूर शहर से इन्होंने अपने समर्पित तरह जो विद्यालय तैयार किया है, बच्चों की प्रतिभाओं को किस तरह से निखारने का काम कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों को इतने प्रयास से, इतने लगन से अध्यापिकाओं ने इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम की प्रेरणा दी, शिक्षा दी, जो आज मंच में बच्चे इतना खुल के अपने कॉन्फिडेंस के साथ दिखा रहे हैं। और मातृ दिवस की शुभकामनाएं मैं सभी को देना चाहूँगी। साथ ही ये कहना चाहूँगी, देखिए एक माँ हमारे घर पे है मगर दूसरी माँ हमारी अध्यापिका भी है। हम घर से अपने बच्चों को भेजते हैं मगर उन्हें संभालने का काम हमारे विद्यालय की माएँ करती हैं, क्योंकि वो उनका भविष्य संभालती हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सभी अध्यापिकाओं को, सभी माओं को जो बच्चों को अपने समर्पण के साथ आगे बढ़ा रही हैं, और एडी पब्लिक स्कूल को भी जो आने वाले समय में धीरे धीरे और भी तरक्की करे, और हम सबका सहयोग हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद श्रुति मैम, धन्यवाद एडी पब्लिक स्कूल। तो जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि एडी पब्लिक स्कूल मातृ दिवस मनाया जा रहा है, मातृ दिवस को लेकर के जो लोगों की अलग से तैयारी, वैसे एडी पब्लिक स्कूल ने कुछ ऐसा किया है जहाँ पे बच्चों को प्राइज भी दिया जा
जा रहा है। कहते नहीं, पढ़ाई के साथ साथ में चरित्र निर्माण और चरित्र निर्माण के साथ में संस्कार भी दे रहा है, तो यही काम कर रहा है एडी पब्लिक स्कूल। क्योंकि माता जो होती है वो भगवान से ऊपर होती है और भगवान से बड़ी माँ है, क्योंकि भगवान हर घर में नहीं रहते हैं, इसीलिए भगवान ने माँ को भेजा है हर घर में अपने बच्चों के लिए देखभाल करने के लिए। तो ऐसे हम आपको और भी आए हुए लोगों से बात कराएंगे कि आज के प्रोग्राम के बारे में वो क्या कहते हैं। दिल का हो खूबसूरत, जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, वो आज हमारी महफिल में आए हैं। जोरदार तालियां करने के लिए हमारे गेस्ट का। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई एम शमा परवीन, होस्ट फॉर द डे। We are privileged to have with us today some of the most respected and accomplished member of community, and we are grateful for their presence here tonight. To begin, I would like to facilitate our guest with flower and memento. मैं अपने गेस्ट का फूलों और खूबसूरत यादों के साथ उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। For this, I would like to request our respected principal ma'am, Mrs. Swati Bajpayee, to honor our chief guest with a bouquet and mementos. Please, Swati ma'am, come on the stage. Taali ho jaye hamare Saron ma'am ke liye. जोरदार तालियां बजाते रहिए आप सब। वंस देयर वॉज फार्मर नेम रामचंद लिव इन अ विलेज। एवरीबॉडी इन हिज फैमिली वॉज इलिटरेट एक्सेप्ट हिज वाइफ। How many times I told you to go in night school for education, but don't listen to me. What will I get by being little old? I used to busy in household words. Oh, come on, mother, I will teach you. No, son, leave it. Your mother will not listen. Chandu went to play. Once Chandu fell ill. You are suffering from fever. I will go and call the doctor. Doctor examined the Chandu. Oh, he is suffering from high fever. I am giving some medicine. Please give him on time. Thank you.
Now I give two medicine to my son. But which medicine should I give? Began illiteracy, got and confused and give wrong medicine. After some time, Chandu got serious. What have you given? Let me call the doctor, sir. Show me what medicine you have given. Oh my God, you have given insecticide. Now only God can save your child. एडी पब्लिक स्कूल में इतना शानदार ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं संस्थापक राम आश्रय सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और स्वाति मैम का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा जिस इस स्कूल के वो प्रधानाचार्य हैं, और इतना खूबसूरत मंच संचालन करने के लिए मैम का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना खूबसूरत कार्यक्रम डिज़ाइन किया है। अभिभावकों और बच्चों के लिए जो इस मंच पर खड़े होकर के अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो खूबसूरत माताएं भी बच्चों के इस अद्भुत दृश्य को देख करके भाव विभोर हैं। वे हर एक संभव कोशिश कर रहे हैं अपनी माताओं को खुश करने के लिए, जिसके लिए मुझे भी इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और राम आश्रय सर और स्वाति मैम का दिल से आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने इस तरीके का जो मातृ दिवस और ग्रेजुएशन स्पेशल कार्यक्रम जो बनाया है उसका बहुत जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और आज मातृ दिवस है और माता की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। आज का दिन माताओं के लिए कृतज्ञ होने का दिन है। वैसे तो माताओं के लिए अगर कहा जाए तो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में तो कोई लेखक, कोई शायर और कोई भी राइटर नहीं लिख सका है, लेकिन माँ को सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि वह इस धरती पर सर्वप्रथम गुरु है जो बच्चों को मार्गदर्शन देती है, और किसी भी तरह से वह ये नहीं सोचती है कि वह मेरा बड़ा लड़का है या छोटी लड़की है। वह बच्चों को एक नज़र से देखती है और उनका प्यार अद्भुत और ईश्वर के समान जो बच्चों को मिल रहा है वह हकीकत में किसी भी एक सुंदरता से कम नहीं है। तो मैं यहाँ पर सभी आयोजन समिति से जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तरीके का खूबसूरत आयोजन जो एडी पब्लिक स्कूल ने किया है, यहाँ पर वो बच्चों को सारी चीज़ें मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है जो बड़े मंच पर बच्चों को ज़रूरत पड़ती है। मैं अभिभावकों से कहूँगा कि स्कूल के साथ में पूरा तालमेल बना करके रखें बच्चों के लिए, जो ये मंच है आज छोटा है कल को बहुत बड़ा मंच स्कूल देगा उन्हें, और कहीं ना कहीं आपके बच्चों के भविष्य को निखारने का ये एडी पब्लिक स्कूल काम कर रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा मैम से कि मुझे आपने कहा कि आज का जो एडी पब्लिक स्कूल मातृ दिवस का आयोजन कार्यक्रम और ग्रेजुएशन का एक विशेष कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए। थैंक यू मैम। एक बार जोरदार तालियां और बजाएं हमारे साथ फाउंडर सर के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मैनेजर सर के लिए। मैम आप इधर आ जाइए, हाथ लगा लीजिए सर। मैम आप एक बार जोरदार तालियां हो जाए अभिजीत के लिए। He is the best speaker, technology genius, and he is the best student of the year in Eddy Public School.
जोरदार तालियां हो जाए अभिजीत के लिए। सर सामने देखिए, जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। सर सामने देखिए, as a brilliant student Abhijit Chatterjee, I'd like to thank all the teachers who have been part of my life. Every teacher deserves tremendous love, care, affection and respect. We all need to recognize the importance of a teacher's presence. They made us who we are today. Thank you. इस मंच पर कई पुरस्कार जीते हैं, ये सच में अद्भुत है और इनकी माँ को सलाम है। मैं इस मंच से उनको सलाम करता हूँ और इस मंच पर कहूँगा आए वो और वह इसकी हकदार हैं, क्योंकि आज मातृ दिवस में मैंने आपको बताया था आज कृतज्ञ होने का दिन है और बेटे ने अपनी माँ को कृतज्ञ किया है। ये सच में बहुत ही अद्भुत बच्चा है। तो इस समय हमारे साथ प्रबंधक महोदय जी जुड़ रहे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। आज जिस तरह से मातृ दिवस मनाया गया एडी पब्लिक स्कूल में, तो क्या कहना चाहेंगे सर? आपको बहुत बहुत स्वागत है, पहले तो मदर्स डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ढेर सारी बधाई आपको, आप हमारे प्रांगण में आई इसके लिए ढेर सारी बधाई। आज जितने आगंतुक आए थे उनके लिए भी बधाई। आज मदर्स डे पर जितनी महिलाएँ आई थी उनको ढेर सारा साधुवाद। हमारे स्कूल में आज कार्यक्रम था, बच्चों का आज वितरण हुआ जो अपना कंपटीशन दिए थे। इसी तरह अगला कंपटीशन भी हर साल कराते रहेंगे और आप लोगों को बुलाते रहेंगे। हाल ही में पता चला कि आपका स्कूल 9 तक हो गया है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम प्रयास है कि हम 2 साल में इंटर तक पहुंच जाएं। आपसे मैं शुभकामना चाहूँगा, इसके लिए धन्यवाद। बिल्कुल, क्योंकि कदमों में होनी चाहिए सफलता, और सफलता कामयाब किस तरह से हो जाती है उसके लिए तो इतिहास भी गवाह रहता है। तो हमारे साथ में और भी कुछ लोग हैं जहाँ पे यहाँ पे गेस्ट के रूप में आए हुए, तो उनसे बात करेंगे। आज जिस तरह से एडी पब्लिक स्कूल में मातृ दिवस मनाया गया, हर माँ का सम्मान किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे सर? एडी पब्लिक स्कूल के माध्यम से जो आज मातृ दिवस एवं बच्चों को, जो बच्चों ने प्रथम या द्वितीय श्रेणी में अपने अंक प्राप्त किए, उसके लिए हमेशा मातृत्व दिवस जो है हर स्कूलों में नहीं मनाया जाता। इससे अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रति और समाज के प्रति और स्कूल के प्रति जो है ये बहुत अच्छी शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से कि इस प्रकार के कार्यक्रम एडी पब्लिक स्कूल्स में होते रहें और ऊंचाइयों पर छुए, इसके लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ। आप क्या कहना चाहेंगे सर आज मदर्स डे के? आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, पहली बार यहाँ पर मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर गेस्ट था, बट यहाँ पर बहुत अच्छा लगा जितने भी इवेंट्स वगैरह हुए। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा हमें आदर और सम्मान मिला है, उसके लिए शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल, तो सर हमारे साथ हैं मैनेजर सर है, तो उनसे हम बात करेंगे कार्यक्रम के बारे में, वो क्या कहेंगे सर? आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तो आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? आज हमारे स्कूल में मदर्स डे और ग्रेजुएशन पार्टी सेलिब्रेट की गई है। मदर्स डे फर्स्ट टाइम स्कूल में आई थिंक किसी ने सेलिब्रेट किया है। मदर्स डे इसलिए हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम मदर्स ज़्यादा बच्चों पे प्रभाव डालती हैं, क्योंकि वो शिक्षा में को टीचर्स हमें कुछ घंटे ही टाइम दे सकते हैं, घर पे माताएं ज़्यादा टाइम दे सकती हैं, वो ज़्यादा बच्चों को क्योंकि बच्चों की जो प्रथम पाठशाला होती है वो माँ होती है, तो माँ अगर पढ़ी लिखी होती है तो बच्चे भी आगे पढ़े लिखे भी होते हैं। कहते हैं एक बेटी पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, पूरा परिवार पढ़ता है तो पूरा देश पढ़ता है। तो ऐसे ही कुछ माताएं भी हमारे साथ में, तो उनसे हम बात करेंगे। तो मैम क्या कहना चाहेंगी आज के कार्यक्रम के बारे में? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। एडी पब्लिक स्कूल आगे बढ़ रहा है, आप सभी का सहयोग और सभी लोग यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार उनका करती हूँ। और हाँ बिल्कुल सही बात है कि माताएं जो प्रथम पाठ वो होती हैं बच्चों के लिए, हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग यहाँ पे आए, धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगी मैं आप मदर्स डे के अवसर पर? सबसे पहले तो मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी, जो भी गेस्ट आए, जो भी पेरेंट्स आए, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैं
मदर्स को तो एक बार थैंक्स बोलूंगी, बच्चों को मोटिवेट करना चाहूंगी। एज अ लेक्चरर मैं यही चाहूंगी कि यहाँ से जो भी बच्चे पढ़ के जाएं वो आगे बहुत ऊंचाइयों को छुएं और हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य है। जब भविष्य ऐसे स्कूलों के हाथ में रहेगा तो हमारा भविष्य निर्णय बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ की प्रिंसिपल महोदय से भी बात करेंगे कि कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। इस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं एडी पब्लिक स्कूल में कुछ इस तरह से मदर्स डे सेलिब्रेट किया गया। बच्चों के साथ साथ माँ का भी सम्मान किया गया। तो हमारे साथ में पूरे कार्यक्रम को जो एक रूपरेखा में संजो के जिसने रखा, प्रिंसिपल मैम स्वाति वाजपेयी जी हमारे साथ में जुड़ रही हैं। आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में जितना भव्य कार्यक्रम एडी पब्लिक स्कूल में हुआ, तो उसको लेकर के वो क्या कहेंगी और आने वाला जो साल है आपका 2025 या आने वाले जो आगे की परीक्षाएं हैं, तो उसके लिए एडी पब्लिक स्कूल की क्या तैयारी रहेगी। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपको। पहले तो आपको मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार अर्चना, मैं स्वाति वाजपेयी एडी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल। आने वाले समय पे मेरा जो प्रयास है वो बस यही रहेगा कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छे से अच्छी हम शिक्षा दे सकें। इंग्लिश मीडियम या जो भी पेरेंट्स चाहते हैं वो सब चीज़ें हम एक ही विद्यालय में एकत्रित करके रख सकें और बच्चों को बता सकें कि कम पैसे में भी अच्छी शिक्षा उनको मिल सकती है। जैसा कि यहाँ के पेरेंट्स की बहुत सारी ये सोच होती है कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए हमने कुछ ऐसा किया है कि हमने सभी पेरेंट्स को एकजुट होकर के अपने बच्चों को कम पैसे में अच्छी शिक्षा देने का रास्ता बताया है। तो मैम आज जो कार्यक्रम की जो थीम थी या कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी, थोड़ा दर्शकों को बताइए। मैम आज कार्यक्रम की मेन थीम तो ये थी कि हमारा ग्रेजुएशन डे था, जिसके लिए हम बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे कि एक अच्छा ओकेज़न पड़े। तो एक माँ से बढ़कर के बच्चे का कोई अच्छा दोस्त नहीं होता है, उसकी परवरिश में पूरा हाथ एक माँ का होता है। तो हमने आज का दिन इसलिए चूज़ किया कि एक मदर्स डे पे ही बच्चों को उनकी माँओं के साथ सम्मान मिले, ताकि उनको उनके प्रयास का इनाम या आप कह सकते हैं उनका प्रयास सफल हुआ है कि नहीं ये उन्हें पता चले। तो आज कितने बच्चों को सम्मानित किया गया, कितने बच्चों को मेडल दिया गया या कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया? मैम सभी बच्चों को, हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को सम्मानित किया गया है, उनकी माताओं को सम्मानित किया गया। हमारे विद्यालय में अभी गत 28 अप्रैल को एक जीके आर्ट अबेकस कंपटीशन हुआ था, जिसमें हमने अदर स्कूल के बच्चों और उनके पेरेंट्स को भी बुलाया था। बच्चों ने आकर के बहुत अच्छा प्रयास किया था, वो सफल भी हुए थे, उनको भी पुरस्कार आज दिया गया है। तो जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आज जिस तरीके से मदर्स डे है, तो मदर्स डे पे क्या संदेश देना चाहेंगे सभी बच्चों को? मदर्स डे पर मैं सभी माताओं को पहले तो हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन करती हूँ कि मदर्स डे केवल एक दिन नहीं मनाना चाहिए। बच्चों को बताना चाहती हूँ कि मदर्स डे एक दिन नहीं होता है, मदर्स डे मदर्स के लिए स्पेशल मनाइए दिन को प्रतिदिन। एक माँ जिसने 9 महीने अपनी संतान को अपने कोख में रख करके उसको सींचा, उसको बड़ा किया, उसको जन्म दिया, उस माँ का कर्ज हम एक दिन में कैसे उतार सकते हैं? तो पूरा जीवन कम पड़ जाता है एक माँ के लिए। हमें जो प्रयास अपनी माँ के चेहरे पे खुशी लाने के लिए करने चाहिए, वो सभी मेरे बच्चों से ये मेरा अनुग्रह है कि वो सभी इस तरीके के प्रयास करते रहें, अपनी शिक्षा से अपनी माँ को वो सम्मान दिला सकें जिसकी वो हकदारी हैं। क्योंकि माँ जो होती है वो बच्चे की प्रथम पाठशाला, पहला विद्यालय कहा जाता है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो माँ से ही सीखता है कि समाज क्या है, परिवार क्या है और किस तरह से हमें अपने परिवार में या हमारे अपने जीवन में किस तरह से संस्कार को लाना चाहिए। तो आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि एडी पब्लिक स्कूल में और क्या खास है। दिल का हो खूबसूरत, जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने वो आज हमारी महफिल में आए हैं। जोरदार तालियां करने के लिए हमारे गेस्ट का। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई एम शमा परवीन, होस्ट फॉर द डे। वी आर प्रिविलेज टू हैव विद अस टुडे सम ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड अकम्प्लिशमेंट्स मेंबर ऑफ कम्युनिटी, एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर देयर प्रेजेंस हेयर टुनाइट। टू बिगिन, आई वुड लाइक टू फैसिलिटेट अवर गेस्ट विद फ्लावर एंड मेमेंटो। मैं अपने गेस्ट का फूलों और खूबसूरत यादों के साथ उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ।
For this, I would like to request our respected principal ma'am, Mrs. Swati Vajpayee, to honor our chief guest with a bouquet and mementos. Please, Swati ma'am, come on the stage. एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे साथ फाउंडर सर के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मैनेजर सर के लिए। अमृति कला फाउंडेशन सोशल वर्कर मैम, प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर मैम। एक बार जोरदार तालियां हमारी प्राची आनंद के लिए। थैंक यू। सेकेंड रैंक होल्डर फ्रॉम क्लास के जी goes to Kazuli Khatun. Please come on the stage, Kazuli Khatun. Hospital है मेरा, आप सब लोग, आज पहले तो Mother's Day है, तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। बच्चों के लिए बस इतना ही कहेंगे कि बच्चे खूब तरक्की करो, खूब पढ़ो लिखो, बाकी टीचर्स आपके लिए हमेशा गाइड करने के लिए होते ही हैं। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहेंगे कि आज इस स्कूल में जब भी किसी को भी आँखों से कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ भी रहेगा, स्वाति मैम से या सर से कोई भी मुझसे बात करना चाहेगा तो बेशक उसके लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा, चाहे वो चश्मा हो या बाकी ही कोई भी चीज़। जोरदार तालियां हो जाए हमारे फाउंडर सर के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी प्रिंसिपल मैम के लिए। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। सामने। थैंक यू सो मच मैम। प्रिंसिपल मैम चेहरा आने तो नीचे करो।
तो आज एडी पब्लिक स्कूल में मनाया जा रहा मदर्स डे। मदर्स डे को लेकर के यहाँ भव्य आयोजन किया गया था, जहाँ पे लोगों को प्राइज मिला और साथ में सर्टिफिकेट मिला। तो कुछ स्टूडेंट भी, तो उनसे हम बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकरा बानू है। तो क्या कहना चाहोगी आज के कार्यक्रम के बारे में? द प्रोग्राम वॉज सो वेल मैनर्ड एंड वेल सिस्टमैटिक एंड द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन मेक अस सो प्राउड एंड फील सो कॉन्फिडेंट। So I just want to say आज मदर्स डे, मदर के लिए क्या कहना चाहोगी? सो मदर्स के लिए तो कुछ वैसे शब्द नहीं है, लेकिन माँ है तो सब है, माँ नहीं तो कुछ नहीं। ये दुनिया है तो सिर्फ माँ के लिए, वरना माँ बिना ये दुनिया नहीं। बहुत खूब, क्या शब्द कहे आपने, बहुत बहुत अच्छा बेटा। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इस तरीके से आज का प्रोग्राम हुआ आपका? अच्छा है। आपके बच्चे किस क्लास में? एक नर्सरी में है और एक केजी में है। तो कि एडी पब्लिक स्कूल ये सिखा रहा है बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी डाल रहा है कि माता पिता सबसे पहले होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य? ठीक है मैम। बेटा आप लोग क्या कहना चाहोगे? हैप्पी मदर्स डे बोलो। हैप्पी मदर्स डे। आप क्या कहना चाहोगे? हैप्पी मदर्स डे। अपने टीचर्स के लिए क्या कहना चाहोगे? थैंक यू टीचर्स। आप क्या कहना चाहोगी बेटा? हैप्पी मदर्स डे। और टीचर्स के लिए क्या कहना चाहोगी? थैंक यू टीचर्स। थैंक यू टीचर्स। आप क्या कहना चाहोगे बेटा? आपने तो बहुत सारे प्राइज जीते। बहुत अच्छा लग रहा है प्राइज जीत के। कितने टोटल कितने प्राइज जीते आपने? हमने सर्टिफिकेट जीते हैं कम से कम, और हमने दो दो मेडल जीते, एक ब्रॉन्ज और एक गोल्ड। तो इन प्राइजेस की वजह से मैं आज आगे बढ़ रहा हूँ। तो बेटा कितने सर्टिफिकेट आपको मिले आज? आज कम से कम 5 मिले हैं। 5 मिले, वाह वाह वाह। आपने तो पूरा सेंचुरी आपने हायर कर दिया, एकदम सेंचुरी लगा दिया। यानी कि आपके ये जो दो मेडल देख रहे हैं, एक सिल्वर मेडल मिला है, एक गोल्डन मेडल मिला, एक आपको इनको ब्राउन मेडल मिला है बेटा। तो किस प्रतियोगिता के लिए मिला था आपको? एक ब्राउन्स हमें एक कॉम्पिटिशन की मिला था जो संडे को हुआ था, जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया था, उसमें हम 3rd पोजीशन आए, उसके लिए हमें ब्राउन्स मिला है। माँ के लिए क्या कहना चाहोगे आज मदर्स डे? मदर्स डे के लिए तो हर माँ को हम अच्छा लगता है, कार्ड्स देते हैं। तो आज हम अपने मदर के लिए सब कुछ प्यार जोड़ते हैं, हमारे लिए सब कुछ दी है मदर्स। आज हम उनके लिए बहुत प्राउड है, क्योंकि उन्होंने ही हमें इन प्राइज के लिए मोटिवेट किया है। बिल्कुल, एक बार बोलो आई लव यू माँ। आई लव यू माँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आज, बहुत खुश है हम, जो अपने बच्चों के लिए स्कूल में बहुत कुछ सिखाया जाता है इनमें, और बहुत मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा खुश है। ये सब प्रोग्राम अच्छा हुआ। मैं सेकंड क्लास में हूँ। मेरा नाम अभी भारद्वाज है। मदर्स डे तो अच्छा, माता पिता तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन मम्मी सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पापा भी सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाई में ब्रिलियंट है, होशियार भी बहुत है, मेहनत भी मैं भी बहुत करती हूँ। आपको किस चीज़ का प्राइज मिला बेटा? बता दो। आर्ट कंपटीशन किया था, बता दो आर्ट कंपटीशन में मिला है। अच्छा, आज मदर्स डे है तो क्या कहना चाहोगी अपनी मम्मी के लिए? बता दो। मेरी मम्मी अच्छी है बहुत, पापा भी अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं। तो आई लव यू मॉम तो बोलो। आई लव यू मम्मा। बहुत अच्छा लगा मैम। Congratulations everyone, all the staff, all those who are here, and they are working so hard for the upcoming school, and I wish everyone all the best.
बहुत अच्छा स्कूल आपने खोला है एंड मैम कंग्रेचुलेशंस टू यू, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आके, एंड स्पेशली आज मदर्स डे है तो मैं मदर्स के लिए कहना चाहूँगी कि जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बच्चे की वो मदर के ऊपर ही ज़्यादा होती है। एंड एक छोटी सी टिप, मैं चूँकि खुद एजुकेशन फील्ड से रही हूँ तो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ स्मॉल टिप कि जब भी आपका बच्चा घर आए तो आप उससे ये मत पूछिए कि आज मैम ने आपको क्या पढ़ाया, आप उससे ये पूछिए कि आज आपने मैम से क्या क्या पूछा, क्योंकि जब आप सवाल करते हैं तो आपके ब्रेन को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। जब आप आंसर देते हैं तो वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली जो आता है वो आप दे देते हैं आंसर, लेकिन जब आप कोई सवाल करते हैं तो आपको ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो मदर्स को लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि एक तो आप ये ज़रूर करिए कि अपने बच्चे से पूछे कि आज आपने मैम से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, और जो भी आपकी अपने रिचुअल्स हैं घर के या अपनी जो संस्कृति है वो सिखाने की जिम्मेदारी भी माओं की ही होती है, क्योंकि स्कूल में हम सिर्फ बच्चों को एजुकेट करते हैं, बेसिक मैनर्स सिखाते हैं, लेकिन हम बच्चों को वो नहीं सिखा सकते जो आपके खुद के परिवार के रिचुअल्स हैं, जो आपके कस्टम्स हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं मम्मियों से कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ में, और सब बच्चों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच। तो आज हम लोग आए थे आपको लेकर के इंदिरानगर तकरोही में, जहाँ पे मातृ दिवस पर विशेष कार्यक्रम किया गया एडी पब्लिक स्कूल में, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में बच्चे मौजूद रहे, साथ में उनके माता पिता ही मौजूद रहे, क्योंकि एडी पब्लिक स्कूल ने इस मातृ दिवस यानी कि मदर्स डे पे कुछ खास किया, बच्चों का तो सम्मान किया गया, साथ में उनके माता पिता का भी सम्मान किया गया। साथ में यहाँ पे आए हुए लोगों से हमने बात करा कि आज मदर्स डे के स्पेशल पे वो क्या कहेंगे, तो उन्होंने बताया जिस तरह से कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, और साथ में एक शिक्षा और संस्कार को लेकर के जो एडी पब्लिक स्कूल चल रहा है, तो ऐसे ही उनको आगे की ओर बढ़ने के लिए शुभकामनाएं भी दी। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में इस मातृ दिवस पे क्या खास हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। जिन भी बच्चों ने कॉम्पिटिशन बच्चे कमजोर हैं, वो अपनी बुद्धि वर्धक बनाना चाहते हैं, तो हमारा इस पर काफ़ी रिसर्च है, ऐसे बच्चे जो कमज़ोर हैं, और जो बच्चे जिस माता पिताओं के बच्चे पहले दूसरे तीसरे नंबर पर नहीं आए हैं, मैं उन माता पिताओं से भी आग्रह करता हूं कि उनको निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने बच्चे की निगरानी अवश्य करें। निगरानी शब्द का मैंने उपयोग इसलिए किया है कि अगर आपका बच्चा खाना खाने के बाद थोड़ा समय पापा के पास जाता है और मम्मी के पास जाता है, तो जब बच्चा मम्मी के पास जाता है और सोने की अवस्था में होता है तो स्कूल में उसने क्या पढ़ा, इस पर आकलन करने की बहुत ज़रूरत है। अगर इस प्रकार का आप मूल्यांकन करेंगे, हमारी माता 1.5 साल की मृत्यु को पाई, मृत्यु हो गई उनकी, लेकिन हमारा पालन पोषण हमारी दादी माँ ने किया। जब दादी माँ ने किया तो जब पहले पहाड़े सुनाए जाते थे, आज के बच्चों का जो मैथ है या साइंस है वो सबसे कमजोर होने का मेन कारण क्या है कि वो जो पहाड़ा है या गिनती है उसको तोड़ तोड़ के नहीं याद कर पाते। किसी बच्चे से पूछ लो क्या नाम 16 नहीं बता पाएंगे, उनको एक धारा प्रवाह में याद होता है, और धारा प्रवाह में सुना तो सकता है, वो किसी टेस्ट के हिसाब से मैं शिक्षक लोगों से भी अनुग्रह करूँगा कि बच्चों को इस प्रकार की भी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, और समय समय पर उनके उत्साहवर्धन के लिए इस प्रकार के वर्कशॉप करें। मैं आभार व्यक्त करता हूं एडी पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी का, और
कम्युनिटी पे मैंने बहुत सारा काम भी किया है, समुदाय आधारित बहुत सारी गतिविधियों पर भी काम किया है, बहुत सारे टूल्स को भी डेवलप किया है। जो बच्चे नर्सरी लेवल के हैं उनको TLM जरूर बनाए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। TLM कैसे बनाया जाता है कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से बनाए। मैं इस स्कूल में एक हर्बल गार्डन औषधि वाटिका का भी अपनी तरफ से एक निर्माण करूंगा। उस औषधि वाटिका में बच्चे सीख सकते हैं कि ये तुलसी है किन किन चीज़ों में काम में आती है, ये सर्पगंधा है हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर डिप्रेशन नींद ना आना उसमें काम करता है। तो मैं 7 प्रकार की जो एक बच्चे को गृहस्थ के लिए जो जड़ी बूटियां उगाई जाती हैं उसको मैं एक हर्बल गार्डन अपनी तरफ से इस स्कूल के लिए निःशुल्क बना दूंगा, और जिससे कि हमारे बच्चे उस स्कूल में जाके उस चीज़ को भी सीख सकते हैं जो उनकी लाइफ में चुप शिक्षा और स्वास्थ्य एक दूसरे के कड़ी हैं। मैं वैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फंडर हूँ, है कि ना, मैं ACC का, अबूजा सीमेंट का, डालमिया भारत ग्रुप का, बहुत सारे फंड्स मेरे पास आते हैं। तो मैं भी स्कूल की तरफ से सूद करूँगा कि हमारी संस्थान की तरफ से आप लोगों को किस किस चीज़ों पर सहयोग की जरूरत पड़ेगी, इस प्रकार के सहयोग भी हम लोग हमेशा करते रहेंगे। और अभिभावकों से एक और उम्मीद है कि बच्चों को खाना खाते समय मोबाइल नहीं दिखाएं। कितनी माताएं जो आज से बच्चों को मोबाइल नहीं दिखाएंगी, हाथ उठाएं, या सब खिलाएंगी? कितनी ऐसी माताएं हैं जो खाना खाते समय अपने बच्चे को मोबाइल दिखाएंगी? आप बच्चे को जब खाना खिलाती हैं तो उसके मुंह में 2 प्रकार की लाल ग्रंथियां आती हैं, ट्रिप्सिन एनालेप्सिन और पेप्सिन। अगर बच्चे को आप लाल ग्रंथियां नहीं बनने देंगी, जब बच्चा सुबह आपका मोशन करने के लिए जाएगा, लैट्रिन करने को जाएगा, तो 15-20 मिनट तक बैठा रहेगा। तो कृपया इस पर भी ध्यान दें। हम लोग बाकी वर्कशॉप करेंगे। मैं AD पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर को, प्रधानाचार्य को, शिक्षकगण को बड़ा अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने दूसरी बार मुझे रूबरू होने का मौका मिला। और मेरी अगर कभी भी ज़रूरत AD पब्लिक स्कूल के लिए होती है, मैं बहुत सारे स्टडीज़ करता हूँ, चाहे महिंद्रा टेक महिंद्रा में मेरी सारी स्टडी चलती है, तो मेरे यहाँ स्टूडेंट्स के लिए स्टडी है। और आज से हर बच्चे की एक प्रोफाइल जरूर तैयार कर। आज हमारे देश में कोई भी किसी बच्चे की प्रोफाइल नहीं तैयार करता। तो हम लोग तो विदेश में भी भ्रमण करते हैं, एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो हर बच्चे की प्रोफाइल हैबिट एंड हैबिटी, माता पिता ब्लड ग्रुप चलने का ढंग तरीका, पर्सनल डेवलपमेंट भी उसके लिए ज़रूरी है जब वो किसी इंटरव्यू में जाए। तो अभी से हमको तैयार करना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि MCQ पर ज़्यादा ध्यान देना है। जो भी बच्चा अगर टेस्ट फाइट करता है, तो टीचरों से भी अनुरोध है कि किसी लेसन को पढ़ाएं तो छोटे छोटे MCQ में तोड़ें, और MCQ बच्चों को थोड़ा वो भी एक हैबिट में डालें, तो आने वाले नीट या जो भी टेस्ट होंगे वो MCQ पे डिपेंड होता है। तालियां बजाते रहिए। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट पोजीशन गोज टू काश्वी फ्रॉम क्लास नर्सरी। Kashvi, come on the stage. Zordaar taaliyan Kashvi ke liye. And the third position goes to Afsan from class nursery. He's improved his study, he is innocence boy. So big hand from Afsan.
थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much.